वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल पिवोट रेंज और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे। दैट इज द सेटअप दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेड इनटू स्टॉक। ओके, तो आपको क्या करना है और ट्रेडिंग सेटअप क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये स्कैनर यूज करना है, नैरो रेंज स्कैनर टू फाइंड आउट द स्टॉक फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, और वो स्कैनर का नाम है CPR by KGS स्कैनर। ओके, उन्होंने क्रिएट किया है। ओके, मैंने स्कैनर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। ओके, सो उन्होंने ये स्कैनर क्रिएट किया है दैट विल फाइंड आउट द स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, तो आपको ये स्कैन करना है अराउंड एट द एंड ऑफ द डे। ओके, तो आप फाइंड कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन से स्टॉक नैरो रेंज है। अब नैरो रेंज मीन्स अगर CPR नैरो है उसका मतलब क्या होगा कि उस दिन स्टॉक में मूवमेंट होगी, दैट विल बी अ ट्रेंडिंग डे। किसी भी डिरेक्शन में जा सकता है या फिर अप जा सकता है, अगेन डाउन आ सकता है, दैट यू हैव टू, दैट वाई इट इज नोन एज नैरो रेंज स्टॉक्स, दैट इज अ ट्रेंडिंग डे फॉर दैट स्टॉक। नाउ आपको ट्रेडिंग सेटअप क्या है, आपको फर्स्ट क्या स्टॉक फाइंड आउट करने हैं यूजिंग दिस स्कैनर। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको फाइंड करना है इनसाइड बार कैंडल ऑन अ 15 मिनट चार्ट इन अ फर्स्ट टू कैंडल। अगर ये सेटअप है इनसाइड बार, सो व्हाट इज इनसाइड बार, इनसाइड बार। ओके, सो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो, उसके बीच में कैंडल कहीं पे भी हो, यहीं पे भी हो चलेगा, लेकिन ये कैंडल के हाई और लो के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज योर एंगल थिंग, सो दैट इज योर इनसाइड बार कैंडल। ये सेकंड कैंडल हाई और लो पहली कैंडल के हाई और लो के अंदर ही रहेगी, सो दैट इज अ इनसाइड बार कैंडल। आप कलर मत देखो, कलर कौन सा भी हो, हमें क्या देखना है, सिर्फ इनसाइड बार कैंडल। ओके, नाउ आपने अगर ये फाइंड कर लिया तो आपको बाय कब करना है और सेल कब करना है। सेल अबोव द लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड बाय अबोव द लो हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ओके, आपको सिंपली ये करना है, सेल अबोव द लो ऑफ फर्स्ट कैंडल, बाय अबोव द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा, कैंडल हाईज एंड लो एज अ स्टॉप लॉस। ओके, बट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड टारगेट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नथिंग। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल ऑन अ चार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्कैनर है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए, आपको जस्ट रन करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक है। ओके, तो हम अगर हम जाएंगे अगर 23 को देखेंगे, हमने ये 23 को ये स्टॉक फाइंड आउट किए, तो उसका CPR नेक्स्ट डे के लिए क्या है, नैरो है। ठीक है, अगर आपको CPR नैरो देखना है अगर, तो 23 को है मतलब 24 को हमें पता चलेगा कि उसका CPR लो है, तो हमने फाइंड किया है कि उसका CPR नैरो है, तो उस दिन वो ट्रेंडिंग होगा 24 को। तो ये सब सारे स्टॉक मैंने वॉचलिस्ट में डाले हैं, सो जस्ट गो टू HDFC बैंक और एक बार आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे CPR ऐड किया सेंट्रल पिवट रेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, ये तीनों लाइन नियरली इक्वल टू इच अदर, ओके, दैट इज अ नैरो, तो उस दिन स्टॉक में मूवमेंट रहेगी। ओके, कंपेयर टू दिस देखो, यहाँ पे ये नैरो है, तो इस दिन स्टॉक में मूवमेंट रहेगी। ओके, आप कोई भी फिल, दैट इज अ वन मैटर मीन्स दिस इज द मैटर टू फिल्टर द स्टॉक। आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, देर आर डिफरेंट वेज, बहुत सारे वेज आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओके, आप ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, ये सेकंड कैंडल है, तो इनसाइड है, तो आप स्लाइडली अप 0.1 और 0.005 ओसन आप बफर रख सकते हो। उसके नीचे आपको सेल करना है, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा, सो व्हाट इज माय एंट्री पॉइंट, एक्ज्यूम 1110। ओके, पहले मुझे यहाँ पे 1 रुपीज मिला अप्रोक्स, फिर वापस अप गया, फिर यहाँ से डाउन हुआ और उसने यहाँ तक का लो लगाया, देखो 1101, सो 9 to 10 rupees यहाँ पे हमें मिल गए, दैट इज नियरली इक्वल टू 1%। ओके, फिर यहाँ से देखो आप कैंडल स्टिक है, तो ये दैट इज अ पुल बैक कैंडल, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, तो यहाँ से आप वापस यहाँ पे अप गया, सो आप कैंडल स्टिक और दिस स्ट्रेटजी से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे मेरा एंट्री 1122 है और यहाँ पे क्या है 1111, सो 10 point। अगर आपको 10 point स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे भी ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने रिस्क के हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट, एंट्री इज फिक्स, लेकिन स्टॉप लॉस और एग्जिट अपने रिस्क के हिसाब से कर लो।
अब देखो अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितने पॉइंट्स हुए, 5 पॉइंट गए, ठीक है, फिर वापस आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिले, तो अभी फिर 5 पॉइंट्स आपको अर्न हुए। सो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। दूसरा स्टॉक है इन्फी, इन्फी में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे इनसाइड बार है सेकंड, आप कहीं पे भी ट्रेड, यहाँ पे एग्जिट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 916 के अराउंड, 917 एज्यूम, थोड़ा सा बफर रखा है हमने, यहाँ पे आपने बाई किया 917 और आप देख सकते हो यहाँ पे 8 रुपीज़ आपको मिल गए अगेन 1%, उसके बाद वापस अप गया। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो MFSL, यहाँ पे इनसाइड बार नहीं है, ओके, तो हम एंट्री या एग्जिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक पता हो तो यहाँ पे डेज का लो ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो इनडिसीजन है, ओके, तो आप यहाँ पे अगेन 2 इनडिसीजन उसके बाद रेड कैंडल, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको एंट्री लेनी है तो। इट्स नॉट कंपल्सरी टू ऑलवेज ट्रेड, ओके, बट अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटजी इट इज़ नॉट ट्रेडेबल। अगेन यहाँ पे भी ऐसा ही है, ओके, नो इनसाइड बार, लेकिन यहाँ पे देखो बिग इनडिसीजन कैंडल, ओके, वापस यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेल्स कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ट्रेड लेना है तो, ओके, लेकिन हमारे ट्रेड अप के सेटअप के हिसाब से नहीं। अगेन इनसाइड बार, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इसके हाई पे हमें बाई करना है, तो सपोज हमने यहाँ पे बाई किया 349, ओके, इसने अराउंड 1.5 पैसा का हाई लगाया, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस की फिक्स है, कितनी रुपीज है लॉस है, 3 रुपीज, ओके। अगर आप SRF में देखोगे 24th को, ओके, नो इनसाइड बार कैंडल, लेकिन यहाँ पे इनडिसीजन, नेक्स्ट रेड कैंडल, यू कैन गो फॉर शॉर्ट बिलो दिस कैंडल, ओके, तो आप कैंडल स्टिक भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ओके, इनसाइड बार है 24th को, ये हाई कैंडल, इनडिसीजन, सब कुछ इनसाइड है, यहाँ पे हमने सेल किया 692, ओके, 688, 4 रुपीज़ हमें मिल गए, दैट इज अराउंड 0.75, सॉरी यहाँ तक लो गया है 685, सो अराउंड 7 रुपीज़, सो 1% हमें मिल गया, उसके बाद देखो वापस आप मूवमेंट। ओके, सो आप दोनों तरफ का ट्रेड ले सकते हो, अगर ट्रेंडिंग डे है, ओके, तो आप यहाँ पे वन साइड मूवमेंट भी आ सकती है, अगर नहीं है, आप देखो बायोकॉन, बायोकॉन में इनसाइड कैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुई, नियर इक्वल टू हाई है, ओके, इसने यहाँ तक का हाई लगाया, तो एंगल्फिंग, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो ये लो के बिलो, और देखो 424 से लेके 41413, 10 रुपीज़, 2.5% अराउंड, ओके, फिर आप देख सकते हो अडानी पोर्ट, नो ट्रेडिंग सेटअप, ओके, इनसाइड बार कैंडल नहीं है, बट आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो अगर आपको ट्रेड लेना हो बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक, ओके, तो यहाँ पे इनसाइड बार है, तो इसके लो पे आपको सेल करना है, ओके, तो यहाँ पे क्या मैंने सेल अराउंड किया, अराउंड 370, ओके, 368, 2 रुपीज़ मिले, स्टॉप लॉस ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, ओके, देन गुड रेड बार, यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल नहीं है, सो नो नीड टू ट्रेड, ओके, तो ये बहुत सारे स्टॉक है, जस्ट ट्राई टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजीज, डू योर एनालिसिस, अगर ये वर्किंग है, अगर रिस्क रिवॉर्ड 1GM2 है, देन यू कैन डू ट्रेडिंग जस्ट फॉर, सो आप ये स्कैनर से मदद से फर्स्ट स्टॉक फिल्टर करो और आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि ये टेक्निक परफेक्टली वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके साथ आप प्योर पॉइंट भी ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो वो पॉइंट से भी वो रिवर्स हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाले प्योर पॉइंट, देखो यहाँ से ही रिटर्न हुआ, नहीं तो ये भी एक आप डिफरेंट टूल यूज कर सकते हो, मेन इज प्राइस एक्शन, तो इसके हाई के ऊपर यहाँ से आप सेल कर सकते हो, एक बार गया फिर सेकंड बार वहाँ पे गया, नहीं तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, okay? So this is the simple technique that is based on CPR and opening range breakout. Okay. You can contact us at chart.traders88@gmail.com. You can follow us on Twitter, that is @charttraders. अगर आपको Zerodha, Upstroke और Reliance Bull में अकाउंट ओपन करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। If you like my video, subscribe to my channel and share with others. Thank you.